वहीं पलवल में 4 साल से बनाए जा रहे रसूलपुर रेलवे पुल का कार्य लंबे समय से अटके रहने की वजह से स्थानीय लोगों को गुस्सा फूटा है। यहां पर आपको बता दें कि लोगों ने पुल के पास टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है, साथ ही लोगों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लोगों का कहना है कि इससे काफी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही है, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये पुल को कई साल हो गए और सरकार ने कहा हम जल्दी से जल्दी इस पुल को बनवाएंगे और आज तक भी ये पुल का काम पूरा नहीं हो पाया है। देखो जी, जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं इस रोड के, हसनपुर तक 50 से 70 गांव के बीच में लगते हैं और जिनका मुख्य मार्ग पलवल आने का जाने का यहीं पर है, कितने ही स्कूलों के बच्चे जो उस गाँवों से आते हैं पलवल में पढ़ने के लिए, उनके बसों का रूट भी यही है। यहाँ गोलाया स्कूल है हमारा, फाटक क्रॉस करते हुए लगभग 1.5 से 2 हजार बच्चे पढ़ते हैं जो सुबह डेली आते हैं और आते हैं शाम को वापस जाते हैं। सरकार का प्राइमरी विद्यालय जस्ट आपका फाटक क्रॉस करते ही है उल्टे हाथ को, वहाँ जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए रास्ता पैदल। अब खबर पलवल से है जहाँ पर रेलवे